नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे किसी भी रिसीवर का या किसी भी गोलाकार टैंक का कैपेसिटी कैसे पता करें या उसके वॉल्यूम कैपेसिटी कैसे पता करें, इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों किसी भी रिसीवर में कितना लिक्विड आएगा, कितना लीटर लिक्विड आएगा और कितना केजी आएगा, इस वीडियो में हम आसान कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊंगा आसान कैलकुलेशन जिससे आप बड़ी आसानी से किसी भी टैंक का कैपेसिटी पता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखें। दोस्तों गोलाकार टैंक का कैपेसिटी पता करने के लिए दो तरह के मेजरमेंट चाहिए। पहला, इसका लेंथ मालूम होना चाहिए और दूसरा इसका डायामीटर, यहाँ ऊपर से नीचे तक जितना होगा उसका डायामीटर मेजरमेंट करना चाहिए। तो ये दो मेजरमेंट रहेगा तो आप बड़ी आसानी से किसी भी टैंक का कैपेसिटी या उसके वॉल्यूम को पता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ जो इसमें लिक्विड रहेगा उसका डेंसिटी भी पता होना चाहिए, ठीक है, फिर आप बड़ी सटीकता से इसके वॉल्यूम को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टैंक में अमोनिया है तो मैं अमोनिया के हिसाब से इसका कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका लेंथ जो है ये लेंथ माप लेंगे और इसका जो डायामीटर है, रिसीवर का जो डायामीटर है नीचे से ऊपर तक, उसका डायामीटर भी माप लेंगे। तो इस टैंक का मेजरमेंट मैं इंचेस में करूंगा, ठीक है। इसका लेंथ भी मैं इंचेस में मापूंगा और इसका जो डायामीटर है ये भी इंचेस में मापूंगा। तो चलिए मैं दोनों को माप लेता हूं फिर आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने एक टैंक ड्रॉ कर लिया है। तो इसका जो लेंथ है ये है 240 इंची और इसका जो डायामीटर है ये है 24 इंची, ठीक है। तो इसका डायामीटर जो है 24 इंची हो गया, लेंथ जो है 240 इंची हो गया, ठीक है। अब तो हम अमोनिया का, सबसे पहले अमोनिया का डेंसिटी लिख लेते हैं। अमोनिया का डेंसिटी जो है ये है 0.6826, ठीक है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये अमोनिया का डेंसिटी हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूला क्या लगेगा। फार्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, ठीक है, ये है फार्मूला हो गया। तो आर स्क्वायर मतलब होता है रेडियस। रेडियस पता करने के लिए दोस्तों, रेडियस को हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, डायामीटर को आधा कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा। तो यहाँ डायामीटर कितना है हमारा, 24 इंची है, ठीक है, 24 इंची डायामीटर है। तो हम डिवाइड करेंगे 2 से, इक्वल टू 12 इंची, ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है। तो हमारा रेडियस कितना हो गया, 12 इंची। अब दोस्तों हम कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि पाई है, तो पाई जो होता है, पाई का मान जो हमेशा 22/7 होता है, ठीक है ना, ये हमें याद रहना चाहिए पाई का मान, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 22/7 यानी 22/7 इंटू, अब हमारा रेडियस कितना है, तो रेडियस हमारा 12 इंची है, तो हम 12 इंची लिखेंगे, 12 क्योंकि ये स्क्वायर में है, तो 12 को 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 12, अब कितना है इंटू लेंथ कितना है 240, ठीक है। अब दोस्तों हमें 22, 12, 12 और 240 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है 22 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 240 इक्वल टू कितना हो गया, 760,320, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं 22/7 है, तो 7 से इतना में 7 से डिवाइड कर देंगे, भागा दे देंगे, तो हम भागा दे रहे हैं 7 से, ठीक है, 7 हो गया इक्वल टू, यहाँ देखते हैं 108,617.1429। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 108,617.1429, ये क्या हो गया, क्यूबिक इंचेस हो गया, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हो गया क्यूबिक इंचेस में। अब दोस्तों ये क्यूबिक इंचेस में है, हमें इसे कन्वर्ट करना है क्यूबिक मीटर में। तो दोस्तों 1 क्यूबिक मीटर में
1000 लीटर लिक्विड आता है, ठीक है ना? कोई भी लिक्विड 1 क्यूबिक मीटर के एरिया में 1000 लीटर कोई भी लिक्विड आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि एक मीटर इधर से और एक मीटर इधर से, इसको चौरस बना देंगे तो ये स्क्वायर हो गया, ये एरिया हो गया। लेकिन जब इसको ऊंचा कर देंगे, एक मीटर इधर भी बढ़ा देंगे, ठीक है, अब जो ये इसका एरिया जो बना इस तरह, तो ये हो गया क्यूबिक मीटर, यानी एक मीटर इधर, एक मीटर इधर, एक मीटर ऊंचाई से, इसको हम क्यूबिक मीटर बोलते हैं। इस तरह जो खांचा तैयार हो गया इसको क्यूबिक मीटर बोलते हैं, यानी 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर कोई भी लिक्विड आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो वैल्यू है ये क्यूबिक इंचेस में है, लेकिन हम इसे कन्वर्ट करना है क्यूबिक मीटर में। तो इसके लिए दोस्तों हमें इतने वैल्यू में देख सकते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 61,023.75 क्यूबिक इंचेस होता है, यानी एक क्यूबिक मीटर में 61,023.75 क्यूबिक इंचेस आता है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो हमारा वैल्यू है ये है 1,08,617.1429 में हमें डिवाइड करेंगे इतना से, ये जो क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक इंचेस है, इस वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय कितना है 61,023.75 से, ठीक है। हम डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि 1,08,617 है, अब हम इसमें डिवाइड करते हैं 61,023.75 से, तो यहाँ देख सकते हैं कि 1.7799 क्यूबिक मीटर आ गया, ये अभी क्यूबिक मीटर में चेंज हो गया। अब ये जो वैल्यू है इंचेस में था, क्यूबिक इंचेस में था, अब क्यूबिक मीटर में हो गया इसे डिवाइड करने से, तो 1.7799158 99, ठीक है। तो आप दोस्तों जितना ये जो पीछे का वैल्यू है ये लिखेंगे तो आपको उतने ही एक्यूरेसी में प्राप्त होगा, यानी ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा उसके लीटर में, उसके वैल्यू में, ठीक है। तो मैंने 1.779 भी लिख सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने पूरा लिखा। तो ये दोस्तों हो गया क्यूबिक मीटर में, ये जो वैल्यू है क्यूबिक मीटर में आ गया। अब हमें लीटर में चेंज करना है इसे। अब मैं आपको बताया कि एक क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर आता है, तो इतना में हम मल्टीप्लाई करेंगे, इतना जो क्यूबिक मीटर है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, यानी 1000 से, तो कितना आ गया, ये आ गया दोस्तों देख सकते हैं कि 1779.91, ये क्या हो गया लीटर आ गया, ये लीटर में आ गया, यानी इस टैंक में 1779 लीटर कोई भी लिक्विड आएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये लीटर तो हो गया, अब इसे हमें वजन पता करना है कि इतना जो लिक्विड है, इतना लीटर लिक्विड है, उसका वजन कितना होगा। तो हमें अमोनिया का वजन पता करना है, क्योंकि हमें अमोनिया का डेंसिटी हमें मालूम है यहाँ पर 0.6826, ठीक है। तो हमें 1779.19 लीटर में मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से, अमोनिया के डेंसिटी से 0.6826 से, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.6826, तो यहाँ देख सकते हैं 1214.9, यहाँ 1214.9 केजी आ गया, 1214.91 केजी, ये 200 किलो में हो गया। तो इतना लीटर का अमोनिया जो है ये 1214 केजी इसका वजन होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसका लीटर फाइंड कर लिया, ये कितना लीटर इसमें लिक्विड आएगा, और इसका वजन भी, वेट भी फाइंड कर लिया हम इसका, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों बड़ी आसानी से आप किसी भी टैंक का वॉल्यूम पता कर सकते हैं कि उसमें कितना लीटर लिक्विड आएगा और कितना वजन में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये जो टैंक है, अगर ये ऊपर के साइड में इस तरह वर्टिकल में होता, ये हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में है ये,
लेकिन ये जो वर्टिकल में होता इस तरह का टैंक होता तो उसका किस तरह फाइंड करेंगे इसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।